वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ सिंपलेस्ट ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक, जो कि ऐसे मिनटों में हो जाएगा। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं अपने ब्राउज को अच्छे से सेट कर लूँगी, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का स्क्रोप एंड सेट ब्राउ जेल। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग यूज़ करती हूँ। लाइक आपको डायरेक्टली फिल करना होता है नॉर्मली, तो ब्रश में थोड़ा सा ब्राउ जेल लेकर अपने ब्राउज को अच्छे से फिल करती हूँ। फर्स्ट मैं स्पूली से अच्छे से अपने ब्राउज को फोम करूँगी ऊपर की तरफ, एंड देन जो मैंने प्रोडक्ट लिया है ब्रश में इसको अप्लाई करूँगी, एंड जहाँ मुझे लग रहा है फिल कर लेना चाहिए वहाँ पर मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। अच्छे से एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल लूँगी, एंड देन अच्छे से कोम कर लूँगी जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मेबिलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 36। तो नेक्स्ट मैं अपनी कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ट्रेंडिंग सेटिंग पाउडर। एंड आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है और ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी काजल, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये मेबिलिन का काजल। नेक्स्ट एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मच कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन आई शेडो अपने काजल को अच्छे से स्मच करने के लिए, एंड उसके लिए मैं भी यूज कर रही हूँ ये कप्स एंड लैशेज द शाई स्टाइल 12 कलर आई शेडो पैलेट। एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पैलेट सी शेड, एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने क्रीज पर, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं इसी सेम पैलेट से ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि तो मेरा इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सो नेक्स्ट मैं अपने लैशेज को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट मार्स का मस्कारा। दिस इज वेरी गुड, मतलब इतना ब्यूटीफुल है ना, लाइक इसको अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको आई लैशेज फेक आई लैशेज अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। तो नेक्स्ट अप्लाई करूँगी प्राइमर, एंड इसके लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। गाइस दिस इज़ वेरी गुड, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज आपकी स्किन को एकदम मैट फिनिश देता है एंड आपके पोर्स को अच्छे से ब्लर आउट कर देता है बिल्कुल। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 332। तो मैं डॉट डॉट करके अपने फेस और नेक पर अप्लाई करूंगी।
नेक्स्ट मैं काजल को अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी जो कि टूट गया। कहाँ गया भाई? सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे काजल। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मच कर लूंगी। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्राउन शेड अपनी लोअर लैशेस पे एंड इसको अच्छे से स्मच कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूंगी एंड उसके लिए मैं अभी यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ब्लश कॉन्टोर एंड हाईलाइटर पैलेट एंड मैं इनको ही यूज करने वाली हूँ आज टू कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, थोड़ा सा हाईलाइटर भी इसको मिक्स करूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा ऐसे ड्यूई फिनिश मिले। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर एंड एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर लेना है हमने। वाओ इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट करूंगी एंड उसके लिए भी मैं सेम हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए अभी यूज कर रही हूँ ये इनसाइड का मेकअप फिक्सर। खत्म हो गए ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मार्स की लिप लाइनर इन द शेड 02। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर है। सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई की है ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड 09 क्यूट न्यूड एंड ये ब्यूटीफुल ब्राउन न्यूड लिपस्टिक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप फेयर मीडियम एंड डस्की स्किन टोन के हो तब भी ये आप पे बहुत सुंदर लगेगी लाइक मी। सो या माय लवलीज आई होप आपको मेरा ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अगर अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे एक बेल बटन होगी उसको भी क्लिक कर देना जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। एंड या लव योरसेल्फ, बाय, टेक केयर एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।